से पे ब्लॉक में दोहरे कत्ल की वारदात, नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करके मां बेटे को कत्ल कर दिया। मक्तूलीन की शिनाख्त अरीबा फारूक और ख्वाजा उमर फारूक के नाम से हुई, पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी पर लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में जाती उमरा से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। शहरी गुल की खूबसूरती बहाल करने के ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल, तजावुजात के खात्मे क्लिक रैकडाउन आज से शुरू। रोजाना की बुनियाद पर किया जाने वाला ग्रैंड ऑल आउट ऑपरेशन 8 रोज जारी रहेगा। ऑपरेशन के खराजात तजावुजात के मर्तकब अफराद से लेने का फैसला। हजार से ज्यादा तजावुजात पर सुर्ख निशान लगा दिए गए। सबसे पहले दातागंज बख्श, शालामार जोन, सब्जाजार, अनारकली, लेडी वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन होगा। मेयर, डिप्टी कमिश्नर और डीजीएलडी कयादत करेंगे। वजीर आला भी ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी दे चुके। सब्जाजार, शाह फरीद कब्रिस्तान, गवालों के निर्णय में कब्रिस्तान के अतराफ गवालों ने भैंसों के बाड़े कायम कर लिए। कब्रिस्तान में दाखिल होना, सड़क से गुजरना मोहाल, भैंसों का गोबर सड़कों पर पड़ा रहने से सेवरेज बंद, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। शहर में कहां किसका कब्जा, हैरान कुन आदादोशुमार सामने आ गए। महकमे माल की 31,000 एलडीए की 636 के नाला अराजी पर कब्जा, महकमे जंगलात की 280 के नाला अराजी भी कब्जा माफिया के निर्णय में। अंदरून शहर 8 सरकारी इमारतें कब्जा माफिया की तहवील में, मेट्रोपॉलिटन की 32 इमारतों पर कब्जे का इंकशाफ। रेलवे की 3,62,449 के नाला अराजी पर कब्जा माफिया का राज। रेलवे की रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 कमेटियां तश्कील दे दी। रेलवे की तमाम अराजी को पूरा करने के लिए कमेटियां अपनी सतह पर अमल दरामद कराएंगी। कब्जा माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। वजीर आला पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सरदार उस्मान बुजदार कहते हैं, कब्जा ग्रुप और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग करूंगा, 1 इंच जमीन पर भी कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम इमरान खान को भी एतमाद में ले लिया। कब्जा ग्रुप मंशा बम का क्रिमिनल रिकॉर्ड लाहौर न्यूज ने हासिल कर लिया। मंशा बम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 80 मुकदमा दर्ज। मंशा बम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और साथ में इंसदाद दहशत गर्दी के दफात शामिल। पुलिस ताहाल मंशा अली खोखर उर्फ मंशा बम को गिरफ्तार ना कर सकी। करामत अली खोखर और नदीम बारा को सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मिल गई। महंगाई की चौकी में पिसी आवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमतों में 5.50 रुपये फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65.68 रुपये महंगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 252 रुपये भर गई। 10वां इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल शुरू, इफ्तिताह वजीर तालीम मुराद रास्त ने किया। फेस्टिवल में 29 ममालिक की 72 फिल्में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे। तनसाजी के इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में जीत की रवायत बरकरार। पंजाब कॉलेज के तलबा ने मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। आर डप्लेक्स कॉलेज का डिग्री शो, समाजी रहनुमा मुसरत मिसबा के बतौर मेहमान खसूस शिरकत। दूसरे बैच के तलबात में डिग्रियां तकसीम की।